हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे ये एक डीजे सेटअप। बेसिकली ये जो सेटअप होने वाला है दो टॉप दो सिंगल बेस का सेटअप होने वाला है। बेसिक सेटअप है लेकिन यहाँ पे एक अच्छा आउटपुट अच्छा क्वालिटी एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ होने वाला है। और अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ये बेस आपकी जो है वो सिंगल है लेकिन पावर जो है वो आप सुनिए 1950 वाट का यहाँ पे बेस हो जाता है। योगी प्रो का स्पीकर दे रखा है, 88 प्रो के हमने यहाँ पे टॉप के अंदर स्पीकर दे रखे हैं। दो एम्पलीफायर हो जाते हैं, एम्पलीफायर भी आप देख लीजिए पावरफुल एम्पलीफायर हमने यहाँ पे दे रखे हैं। तो 3002 और 5002 के हमने यहाँ पे एम्पलीफायर दे रखे हैं। मिक्सर क्रॉसओवर्स वायर और सारी डिटेल भाई। और इस बेस के साथ हमने कुछ अलग काम करा है, हैंडल्स में कुछ अलग इंप्रूवमेंट करा, कुछ अलग यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं। तो वीडियो के साथ बने रहो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं आपको इस सेटअप में दे के आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए एक बिल्कुल बेसिक सा सेटअप है स्टार्टअप के लिए। यहाँ पे दो टॉप है, दो सिंगल बेस हो जाती हैं। अब ये जो दो टॉप हैं ये आप सभी को मालूम है XRX सीरीज़ के अंदर है। बेस जो है वो यहाँ पे फ्रंट में, लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पे कुछ अच्छी ब्रांड की झलक दिख रही होगी अगेन यहाँ पे। लेकिन इसमें हमने भी थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करी है, थोड़ी सी अलग अपनी यहाँ पे कारीगरी दिखाई है। वो कारीगरी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टॉप के अंदर स्पीकर्स की और इनके स्पेशल्स की, तो यहाँ पे जो कि स्पीकर हैं वो हमने यहाँ पे ये 88 प्रो के देख लीजिए, ये 88 प्रो के हमने YX15X301V2 सीरीज़ दे रखी है। ये बेसिकली 400 वाट का एक स्पीकर है लेकिन जो कि पहले वाले 400 वाट से वो इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, लाइफ में, हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिया है। तो 400 प्लस 400 वाट का यहाँ पे स्पीकर हो जाता है। HF की अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे 60 वाट का जो है HF दिया हुआ है। अब जो कि 60 वाट का है वो इसके लिए इनफ है। यहाँ पे रीज़न मेरे 60 वाट का देने का ये है कि यहाँ पे अगर आप इसको लाइफ में भी चलाते हैं ना तो ये आपके टॉप बहुत अच्छे काम करेंगे। 400 प्लस 400 है तो मिड का क्वालिटी बहुत बढ़िया होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके साथ में बेस ऐड करा है, उसका रीज़न यही है। तो ये दो टॉप हो जाते हैं 800 प्लस 800 1600 वाट के, तो ये टॉप हो गए। बेस की अगर मैं स्पेशल्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो कि बेस है वो हमारी यहाँ पे 1950 बेसिकली योगी प्रो का एक स्पीकर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, लाइक PD1850 का आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 6 महीने का छोटा भाई। वो खैर क्वालिटी में लगभग लगभग थोड़ा सेम है बट जो प्राइस रेंज है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखा है। बजट के साथ साथ ये सेटअप अच्छा भी होने वाला है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए ये बेस हो जाती है जिसमें हमने ये फ्रंट में डाल रखा है, ठीक है ना। और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको लुक देखने को मिलेगी। इसमें एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ ना, साइड में आइए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ साइड में। ये देखिए ये है हमारी यहाँ पे छोटी सी कारीगरी। बेसिकली हैंडल के अंदर एपॉक्सी हमने यहाँ पे यूज़ करा है, रेजन होता है ये सीएनसी से कटिंग करके और इसमें हमने रेजन जो है वो फिट करा हुआ है। और अगेन यहाँ पे एल पत्ती का काम करा गया है। यहाँ पे देख लीजिए ये एल पत्ती है, यहाँ पे भी एल पत्ती है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। सेम ऐसे हमने नीचे दे रखा है, गहरी वाली बैक प्लेट दे रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। ये पूरा हमने यहाँ पे मतलब अपने दिमाग से बनाई है बेस। और अगेन यहाँ पे आपको बहुत पसंद आएगी ये बेस। अगेन जो कि पेंट का जो फिनिश भी है ना वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरा सेंटेक्स पेंट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और अगेन यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट करते ही रहते हैं भाई, जब भी मौका मिलता है ना कि हाँ चलो लगते हैं यहाँ पे R&D करते हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हम ये कोशिश रखते हैं कि आप तक कोई भी प्रोडक्ट जाए और इम्प्रूवमेंट के साथ जाए। टॉप में भी हमने यही रखा हुआ है, पूरे एक्सेसरीज है यहाँ पे, हैंडल से लेके हर एक चीज़ में डिटेलिंग पे काम करा है। अगेन आप देख लीजिए हैंडल भी हमने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं, इसकी भी जो कि क्वालिटी है मेटल की क्वालिटी है वो सारी है इसमें। यहाँ तक कि हमने ये जो है ना ये देख लीजिए, ये है हमारा गैस्केट, ये पूरा फॉर्म की गैस्केट रहती है, यहाँ से पूरा फिट रहता है तो एयर लीक नहीं होता है। तो अगेन यहाँ पे इसमें भी एल पत्ती है, ये देख लीजिए एल पत्ती इसमें भी है। और एल पत्ती के अंदर हमने एक और हमने इम्प्रूवमेंट करा है, वो आने वाली वीडियो में दिख जाएगा। हो सकता है कि जब आप सेटअप लेना है तब वो इम्प्रूवमेंट आपको मिल रहा है। हमने एक चीज़ और यहाँ पे नई खोजी है, वो भी मैं आपको किसी आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो ये तो दो टॉप हो जाती हैं। बेस की काउंटिंग की बात करूँ तो 1950 1900 वाट यानी आपका 3900 वाट का यहाँ पे बेस बन रहा है। ये तो हो जाता है पूरा बाहर का कंप्लीट। और अभी मैं आपको यहाँ पे एम्पलीफायर दिखाता हूँ कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं एम्पलीफायर्स की बात करूँ तो ये हो जाता है हमारे एम्पलीफायर्स, जैसे कि मैंने बताया बजट में भी होने वाला है लेकिन अच्छा भी होने वाला है। अगेन यहाँ पे हम SLV के जो है वो सारे एम्पलीफायर मिक्सर क्रॉसओवर SLV का ही दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई इनकी ये जो सीरीज़ है ना बहुत ही तगड़ी है। अभी तक मतलब पर्सनली मैं अगर कहूँ ना, एक भी लौट के मेरे पास इस दुकान से जो गया है ना वो लौट के कभी नहीं आया सर्विस के लिए। तो अगेन मैं जो कि ये वाइट सीरीज़ है इसको मतलब कहूँगा कि हाँ भाई प्राइस के रेंज के हिसाब से अच्छा एम्पलीफायर SLV वालों ने बनाया है। अगेन ये 3002 मॉडल हो जाता है टॉप के लिए। उसका रीज़न ये है कि आगे अगर आप स्पीकर बढ़ाते हैं
मतलब कि इन द सेंस कि अगर स्पीकर का पावर आप बढ़ाते हैं 600 करना है आपको, ये एम्पलीफायर चल जाएगा। बेस में भी हमने यहीं पे ऐसा रखा हुआ है कि आप अगर आप आगे स्पीकर्स बढ़ाते हैं लाइक उसके अंदर आपने ये बेस हटा के आपने डबल कर दी, 3,000 वाट की बेस कर दी या 2,500 वाट की बेस कर दी, तो यही एम्पलीफायर आपका जो है वो आगे काम आ जाएगा। तो मतलब सेटअप मेरा देने का मतलब ये होता है कि सेटअप आगे आप कस्टमाइजेशन कर सकें, कम खर्चा लगे लेकिन जो कि आपको आउटपुट मिले वो ज़्यादा मिले। तो इस तरीके का हमने यहाँ पे सेटअप दिया है। अगेन ये 3,002 मॉडल हो जाता है, 5,002 मॉडल ये दो एम्पलीफायर्स हो जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे हमने जो कि क्रॉसओवर है भाई, अगेन बोल रहा हूँ ये टर्बो वर्ड वगैरह मेरा फेवरेट क्रॉसओवर बन चुका है, बहुत मज़ा आता है इसके आउटपुट में, बहुत अच्छी स्वीट साउंड निकलती है। अगेन आपके हाथ में ना मतलब आपको लगेगा अगर आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो आपको फील मालूम चलेगा कि हाँ भाई बेस में भी चेंजिंग आ रही है, बाकी की तरह नहीं आप घुमाते गए नोब और कुछ मालूम नहीं चल रहा है। वो देख लो ऊपर लाइन से हमने लगा रखे हैं, मैंने बोला ना मेरे फेवरेट है तो मैंने पर्सनली खुद यहाँ पे भर रखे हैं इसको और मैं खुद ही सजेस्ट करता हूँ। इसके अलावा मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मिक्सर की मैं बात करूँ, अगेन यहाँ पे SLV का ही M4 दे रहे हैं और इसके अंदर हम जो है वो ऑप्शंस दे देंगे इन केस कि कई बार होता क्या है कि ये मिक्सर नहीं होता है स्टॉक में तो हम कुछ और इसकी जगह पे दे देते हैं। तो आपको ये है कि अगर नहीं भी होगा या होगा भी तो आप अपने हिसाब से कोई मिक्सर डलवा सकते हैं। कॉस्टिंग जैसे चेंज होगी, मान लीजिए कि ये 6,500 का मिक्सर है, 7,500 का मिक्सर है, आपको चाहिए यहाँ पे 9,000 का मिक्सर, तो वो जो एक्स्ट्रा आपको लगेगा वो आपको पे करना है और मिक्सर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सारे मटेरियल्स हो जाते हैं और इसके जितने भी वायर्स हैं ना XLR पूरा यहाँ पे स्पीकर्स ये इसके साथ में इंक्लूड रहेगा, इस बात का याद रखना है। तो ये तो हो जाता है पूरा डिटेल यहाँ पे एम्पलीफायर से लेके सेटअप का। अभी चलते हैं टेस्टिंग, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। Let's go.
दोस्तों कैसे लेके टेस्ट किया, कैसा लगा दोस्तों ये सेटअप, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं डीजे, या फिर डीजे सेटअप लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं क्या भाई अब हमें स्टार्ट करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, तो ये आप यहाँ पे सेटअप को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको एक बार काउंटिंग में करा देता हूँ कि भाई हम सेटअप में देख क्या कर रहे हैं, तो ये दो टॉप हो जाते हैं, दो ही बेस हो जाती हैं। एम्पलीफायर यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये एक हमारा SLV का 3002 हो जाता है। हाँ, इसका ये जो है ना हैंडल भाई, ये जो है ना इसका है हमारे पास, तो ये मत बोलना कि इसका हैंडल हम नहीं दे रहे, तो ये सब कुछ इसके साथ मिलेगा। एक क्रॉसओवर आपको दे रहा हूँ, एक मिक्सर दे रहा हूँ, 3 चैनल का डीजे मिक्सर हो जाता है। ये पसंद नहीं है कुछ और ऐड आप करवा सकते हैं। और अगेन यहाँ पे हर एक चीज़ पे डिटेलिंग पे काम करा गया है, और आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया भाई हाँ मैं किस तरीके की क्वालिटी की बात करूँ। प्लाई की सिलेक्शन हो जाती है, काफ़ी सारी सिलेक्शंस में हम ध्यान देते हैं कि हाँ हम CNC पे काम तो कर रहे हैं लेकिन उस पर प्लाई कैसी लगनी है और पेंट कैसा डालना है, ये बहुत सारी चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं और इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे, ऐसे आपको दिखता रहेगा। इसके अलावा इस सेटअप का प्राइस और कहाँ से अवेलेबल होगा, तो प्राइस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर देता हूँ, ऊपर आप यहाँ पे देख लीजिए, जो कि एड्रेस है वो यहाँ पे संडे बाज़ार संगम विहार नई दिल्ली, ठीक है ना, ऊपर फ़ोन नंबर हो जाता है और बाकी ब्रांड्स भी हमारे डील भी हम करते हैं पे, और ये आपके साथ आपके घर तक भी जा सकता है बाय ट्रांसपोर्ट, तो नीचे नंबर दे रखा है। बाकी डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना कि भाई हाँ कैसा है, अच्छा है बुरा है, कुछ भी आपके हो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते होंगे अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।